यहाँ पर मैंने क्या किया है, दो मीडियम साइज के आलू को उबाल के फिर उसको मैश करके रखा हुआ है। दो मीडियम साइज के आलू को उबाला है मैंने यहाँ पर, और हमारे जो पोटैटो चीज़ फिंगर्स है उनको बनाने के लिए इसको छोड़ के और जो जो इंग्रेडिएंट्स हमको लगेंगे वो है, एक मीडियम साइज़ का जो प्याज है या अनियन है उसका हाफ मैंने यहाँ पर चॉप करके रखा हुआ है, एक जो चीज़ है एक चीज़ क्यूब है उसको मैंने ग्रेट करके रखा हुआ, और मैंने यहाँ पर जो लिया हुआ है वो है दो ग्रीन चिलीज़ को, यहाँ पर एक्चुअली ग्रीन चिलीज़ है ये, रेड चिलीज़ को चॉप करके थोड़ा सा एकदम थोड़ा सा यानी कि हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टी स्पून लाल मिर्च का पाउडर, मगर ये इसमें तीखा नहीं है, ये तीखा लाल नहीं है, इसको सिर्फ कलर के लिए मैंने ऐड किया करूँगी मैं, और यहाँ पर मैंने लिया है 1 टी स्पून आमचूर का पाउडर और थोड़ा सा एकदम थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर, हाफ टी स्पून से भी कम। सब इंग्रेडिएंट्स को करेंगे हम लोग एक साथ मिक्स। मैंने अच्छे से कर लिया है मिक्स, अब क्या करेंगे इसमें से हम लोग बनाएंगे हमारे जो फिंगर्स है यानी कि पोटैटो चीज फिंगर्स है उनको, थोड़ा थोड़ा करके ऐसा मिक्सचर हम लोग लेंगे। तो आप लोग देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर एक पोटैटो चीज़ फिंगर बना लिया है, इसका शेप जो है मैंने इसको दिया है, तो ऐसे ही करके मैं सारे मिक्सचर को इस शेप में बना लूँगी। तो यहाँ पर जो है मैंने फिंगर्स को बना के रेडी कर लिया है, मैंने जितना क्वांटिटी आप लोगों को दिखाया था कि दो मीडियम साइज़ का आलू और जो भी इंग्रेडिएंट्स मैंने इसमें डाले थे सब क्वांटिटीज़ को मिला के ये 6 फिंगर्स टोटल बने हैं, और अब हम लोग क्या करेंगे इसको कोट करेंगे। मैंने लिया हुआ है ब्रेड क्रम्स हमारे फिंगर्स को कोट करने के लिए, और यहाँ पर मैंने लिया हुआ है बेसन को गोल घोल के, जो 2 टेबल स्पून बेसन, 3 to 4 टेबल स्पून वाटर, थोड़ा सा एकदम थोड़ा सा नमक, मैंने एक साथ इसको एक मिक्सचर सा बनाया है लिक्विडी मिक्सचर, और यहाँ पर ब्रेड क्रम्स जो है मैंने इसको घर पे बनाया हुआ है, आप लोग अगर चाहो तो वो बाजार से भी खरीद सकते हो, या ब्रेड क्रम्स की जगह आप लोग जो है वो बिस्किट के क्रम्स भी आप लोग यूज़ कर सकते हो, मगर मैं इसको घर पे बना के यूज़ करना पसंद करती हूँ क्योंकि वो बहुत ही फ्रेश बनता है। लोग देख सकते हो मैंने यहाँ पर ऑयल को गर्म करने के लिए रखा हुआ है, और फिंगर्स हमारे एकदम रेडी है यहाँ पर।
जैसे कि आप लोग देख सकते हो, बन गया है हमारा यम्मी पोटैटो चीज़ फिंगर्स। ये बहुत ही टेस्टी है, स्नैक्स के तरीके से आप लोग इसको खा सकते हो। ये स्नैक्स तो है ही, और भी अच्छा है जब आप लोग फ्री टाइम में इसको बनाओ और एन्जॉय करो।